बिजनौर के नजीबाबाद में ईद उल अजहा के दिन बिजली पानी की समस्या को लेकर शहर में हाहाकार मचा हुआ। बीती रात से ही बिजली के आने जाने और लो वोल्टेज के साथ साथ जगह जगह विद्युत तार टूटने से गर्मी से बेहाल हुए मोहल्ला पठानपुर, बसातियान, सेवाराम, मुनीरगंज आदि कई मोहल्लों के लोग सभासद खुर्रम अफजाल के साथ अमदू खां चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बिजली और पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि ईद के त्योहार के दिन शहर में बिजली की समस्या बनी हुई है। विद्युत समस्या के चलते नगर पालिका ने पेयजल आपूर्ति नहीं की। नलकूपों पर जनरेटर की व्यवस्था होने के पश्चात भी पालिका ने जनरेटर चलाकर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की। नलकूपों के जनरेटर शोपीस बने हुए हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। जी, मैं वार्ड मेंबर 23 से सभासद खुर्रम अफजाल। 2 दिन से लाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रखी है। लाइन मैन सुनने को तैयार, बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। त्योहार का दिन है, आज ईद उल अजहा है, जिससे पब्लिक इतनी परेशान है। घर में फैन नहीं जा रही है, बिजली है नहीं, गर्मी ज्यादा हो रही है। लाइन वाले छोड़ के भाग चुके हैं, सही करने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हो, किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हो चौराहे पर? त्योहार का टाइम है, चेयरमैन साहब से बात हो या आपकी? हमने ऑर्डर कर दिए, मगर वो कुछ नहीं कर रहे। आप क्या चाहते हो, कहाँ जा रहे हो आप इकट्ठे होकर? हम जा रहे हैं जेल से मिलने। जेल से मिलने जा रहे हैं हम, कहाँ मिलेगा आपका जेल? विधायक जी से बात हो या आपकी? विधायक जी, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।